Hello everyone and uh, welcome to market ki Baate. This is Raja Raman, co-founder of New Trader and also your trading influencer. Been in the markets for more than 15 years. Happily married with a loving wife and an energetic son who keeps me on the run, just like the markets. So, friends, welcome back once again to this live feed. And uh, as I want to interact with you and uh, just find out what's going markets. में काफी ऊपर नीचे हो रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एग्जैक्टली वॉट रियली हैपनिंग एंड हाउ आर वी कीपिंग बिजी है पैसे नहीं बना रहे हैं जो भी हो रहा है वो तो होते रहेगा लेकिन मार्केट्स में आप लोग काम कैसे कर रहे हैं एंड वॉट आर यू गाइज डूइंग एंड हाउ आर यू गोइंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी विच वी नीड टू डू टू मेक सम मनी विच इज ट्रेडिंग राइट So, I know that all of you are actually uh, trading in the markets and all of you are trying to find out how you can make some money from the market on a regular basis. And yes, that is something which we all like to do. But what is the problem sometimes we face is we are not able to do trading very successfully and we feel that uh, trading, okay, we feel that trading is a very challenging activity. So, today, और आज मेरा सवाल है आप लोग सब से कि ट्रेडिंग के अलावा आपको कौन सा लगता है कि विच अदर ऑक्युपेशन और विच अदर एक्टिविटी इज एज चैलेंजिंग एज ट्रेडिंग या वॉट डू गाइस फील विच अदर एक्टिविटी विच अ पर्सन डज टू मेक सम मनी फॉर हिमसेल्फ टू जनरेट सम इनकम फॉर हिमसेल्फ विच अदर एक्टिविटी विच ही फील्स विच यू ऑल फील इज मोर चैलेंजिंग और एज चैलेंजिंग एज ट्रेडिंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू डिस्कस विद यू गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है आप सबको लगता है कि ट्रेडिंग काफी चैलेंजिंग है चलिए तो ट्रेडिंग के अलावा इज देर एनी अदर ऑक्यूपेशन विच इज एज चैलेंजिंग और एज डिमांडिंग राइट ओके शुभम सेज बीन एन आर्किटेक्ट ग्रेट थैंक्स फॉर हाई टू एवरी वन गुड इवनिंग नाइट बट देख गुड इवनिंग फॉर कमिंग डाउन टू दिस तो शुभम कह रहा है कि बीन एन आर्किटेक्ट इज एज चैलेंजिंग एज ट्रेडिंग वॉट अबाउट दस वॉट डू अदर्स फील आप लोगों को क्या लगता है कि ट्रेडिंग एक काफी कठिन uh, एक्टिविटी ऐसा मानते हैं लोग उसके साथ साथ देर आर अदर ऑक्यूपेशन एज वेल वेयर पीपल ट्राई टू मेक सम अल्टीमेटली जो भी काम कर रहे हैं उससे हमें पैसा बनाना है राइट वी वॉन्ट टू जनरेट सम इनकम फॉर आवर सेल्फ एंड दैट इज वाई वी कम टू द स्टॉक मार्केट टू डू सम ट्रेडिंग लेकिन कई लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग काफी चैलेंजिंग है मुझे शायद और कुछ करना चाहिए सो वॉट डू यू फील राइट वॉट डू यू फील एंड वॉट डू यू फील कुड बी एंड अंडरस्टैंडिंग इफ यू गॉट एनीथिंग आई डोंट नो योर आई डी इज इम परफेक्ट हो यू कुड यू कुड सेंड रिवर्ट ऑन आवर इंस्टाग्राम फीड वी विल गेट इन टच विध यू या फिलहाल हम लोग डिस्कस करते हैं मार्केट की बातें में जो आज हमारा चर्चे का विषय है कि ट्रेडिंग के अलावा दूसरा कौन सा एक्टिविटी है जो इतना डिमांड करता है आपसे कि आप प्रैक्टिस करे जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिंग में है शुभम वील बी discuss on बट episode ऑन what exactly और what एक्टिविटी is as चैलेंजिंग और as डिमांडिंग as ट्रेडिंग When यू टेक द example ऑफ ट्रेडिंग ट्रेडिंग डिमांड्स दैट आपको थोड़ी मार्केट की जानकारी हो आपके पास थोड़ा कैपिटल हो और आपके पास काफी सारा चीज होना चाहिए जैसे X, Y, Z. तो ऐसा कौन सा ऑक्यूपेशन है आगे एक जन ने कहा आर्किटेक्ट तो उसके अलावा कौन सा ऑक्युपेशन आपको लगता है कि मार्केट जितना उतना डिमांडिंग है मैं आपको एक क्लू देता हूं वन इज एन ऑक्युपेशन वेयर वी ऑल ट्रेवल रेगुलरली विच इज एयरलाइंस ओके और ये सारे ऑक्युपेशन में सिमिलैरिटी है जस्ट लाइक ट्रेडिंग ओके so i'm just giving you an example one example which i'm giving you is of an airplane right a pilot what does a pilot have to do a pilot has to sit does a pilot gets to drive the plane the first time a pilot does not get to drive the plane the first time as soon as he joins a uh, airplane academy training academy

If you have gone and done your COVID test, they again do your COVID test. Or if you have, if they have checked your boarding pass, then it's checked multiple times. So the kind of checks and balances which are there as part of an airplane, an airport. So these are something. And why are they doing that? Because they cannot afford to go wrong, right? They cannot afford to go wrong. So.

training trading is something where if you do some mistake what is the penalty which you pay you pay the penalty of your capital agar aapne stop loss oh very good sanok has uh, pointed out a very important uh, element here yes sanok good answer surgeon so a doctor they, uh, a person who is going to become a doctor

जोर से गिरा एंड जब भी आप एस डी एक्स निफ्टी देख रहे थे एस डी एक्स निफ्टी वॉज ट्रेडिंग वेल बट देन द वे द मार्केट फेल टूडे इट क्लियरली इंडिकेटेड दैट इट टुक एवरी वन बाय सरप्राइज कल किसी ने नहीं देखा है तो हमें समझना चाहिए कि मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है सो so, अगर कभी भी कुछ भी हो सकता है सो यू गॉट टू बी रेडी प्लान एंड वॉट अ पायलट दैट्स वॉट अ ट्रेडर शुड डू In the same way like Sauno pointed out very rightly when you want to become a doctor he also undergoes lot of pain in understanding if he is a surgeon he tries to understand the body if he is of any other aspect they try and understand the body system so that tomorrow when the time comes for the operation you are not hesitating to do the right thing. करेक्ट एंड दैट्स वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अ पायलट कैन ड्राइव द प्लेन वेरी वेल इन अ वर्चुअल रियालिटी जैसे हम पेपर ट्रेड करते हैं वहां पर सबका टारगेट मीट हो जाता है लेकिन वास्तव में ट्रेड करेंगे तब शायद कोई ट्रेड का टारगेट मीट होता है कोई ट्रेड का स्टॉप लॉस मीट होता है लेकिन इन सब के बीच चाहे एक ट्रेडर रहने दीजिए चाहे एक पायलट रहने दीजिए चाहे एक सर्जन रहने दीजिए इन तीनों के बीच ओके अमंगस्ट ऑल थ्री ऑफ देम, वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच रन थ्रू देयर माइंड या वॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच रन थ्रू देयर माइंड कैन समवन टेल मी बीट अ ट्रेडर बीट अ सर्जन और बीट अ पायलट

मानसिक संतुलन है एंड दिस मानसिक संतुलन से तीनों लोग ट्रेडर सर्जन पायलट काफी बार उसको एंड्योर करते हैं बट इट कैन ओनली बी ओवरकम बाय प्रैक्टिस रिस्क तो सभी जगह है आप घर से बाहर निकलेंगे पहले डर लगता था कि अगर कोई गाड़ी आ जाएगी या कोई हो जाएगा अब सबको डर लगता है कि घर के बाहर जाएंगे तो कोविड आ जाएगा राइट right? सो so, इस तरह भय से डर के कोई फायदा नहीं है तो व्हाट डू वी डू टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ वी वेयर मास्क वी सैनिटाइज आवर सेल्फ वी मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग सो दीज आर सम वेज टू एंश्योर दैट वी डोंट गेट कोविड इन द सेम वे वेन यू गोट टू टेक अ ट्रेड यू गोट टू डू योर चेक एंड बैलेंसेस सेम लाइक हाउ अ पायलट डज एवरी फ्लाइट

मैंने कई बार देखा है मेरे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में लोग आते हैं देर आर लॉर्ड ऑफ न्यू कमर्स एंड दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट दे सक्सीड समाइम्स दे फेल बट दैट्स ऑल पार्ट ऑफ द गेम राइट बट हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ बाय अप्लाइंग स्टॉप लॉस बाय फाइंडिंग आउट क्या टाइप के मैथड अप्लाई करे कौन सा मेथड सही है कौन सा मेथड कब अप्लाई करना है कौन सा मेथड कब अप्लाई नहीं करना है ये सारे चीजों के बारे में जानकारी लिए बिना अगर आप मार्केट में एंट्री करेंगे सो इट इज जस्ट लाइक अगर कोई डॉक्टरी पास हो गया उसे एमबीबीएस का सर्टिफिकेट मिल गया तो उसके हाथ में आपने कैंसी थमा दिया टू डू अ एंजियोप्लास्ट तो क्या होगा उसके हाथ कापेंगे ही विल गेट टेंड ही विल नॉट बी एबल टू स्टैंड Even for 10 minutes in the operation theater. So, the problem today is that everyone thinks that they are a full fledged MBBS surgeon. But please understand that it is easy to get swayed away by all the YouTube posts, all the uh, kind of Twitter posts which you are seeing. But then to get there, यू गो टू फर्स्ट वर्क योर सेल्फ एंड अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली यू आर गेटिंग इन टू आप किस मैदान में उतर रहे हैं उस मैदान में क्या चल रहा है उस मैदान में कौन से बॉलर का बॉल आ रहा है आपके पास या अगर आप स्विमिंग पूल के एग्जाम्पल लेंगे तो इस पानी में कितनी गहराई है फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट बिकॉज आई फाइंड दैट

शायद आपके पास और पेशेंस रहेगा बट बिकॉज uh, आप ठीक तरह से अप्लाई नहीं कर रहे हैं आपकी जानकारी यू आर एंडिंग क्लोजिंग यू कैपिटल सो ये सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप देखेंगे तो ट्रेडिंग में काफी सारे अपॉर्चुनिटीज है टू मेक मनी बट देन व्हेन यू गोन्ट टू टेक व्हेन यू वांट टू पार्टिसिपेट इन द मार्केट यू गोट टू अंडरस्टैंड दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंट्री एंड एग्जिट इट्स अबाउट हाउ यू मैनेज योर एक्टिविटी हाउ यू मैनेज योर माइंड सेट बिटवीन योर एंट्री एंड एग्जिट और उसके बीच आपको जानना है कि किस तरह का काम करना है और किस चीजों पे ध्यान देना है सो ऑल दीज थिंग्स आर प्रिटी एसेंशियल एंड आई एम श्योर दैट यू आउट देयर आर एक्चुअली ट्रेडिंग क्वाइट एक्टिवली मार्केट

Regular activity, they have to understand and uh, they have to ensure that uh, whatever they are doing, they have got a clearance from all those things. Like, have they gone through their checks and balances and have they understood the necessary inputs so that they are able to connect with what is happening? What do you guys feel is the most or the most glaring problem? इन द लास्ट फ्यू मंथ्स जब ये जो लास्ट दो तीन महीने में से जो प्रॉब्लम आ रही है मार्केट में आपको क्या लगता है कि व्हाट कूड व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच एवरी वन इज फेसिंग टूडे वॉट यू गाइस फील आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच वन इज फेसिंग टूडे वाइल ट्रेडिंग आर वेविंग एंड अग हाई टू ऑल ऑफ यू

ऋतिक जी लॉकडाउन की वजह से काफी मुनाफा हुआ है काफी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिली है मार्केट में आने के लिए वर्डाइल तो है सेबी के रूल्स तो आते रहेंगे सेबी का काम ही है रूल्स बनाना राइट दे आर देयर टू रेगुलेट द मार्केट्स दे आर देयर टू रेगुलेट द पीपल प्रशांत कह रहा है ओवर कॉन्फिडेंस हाँ ओवर कॉन्फिडेंस शायद एक बात हो सकती है लेकिन इफ यू आर अवेयर ऑफ हाउ द मार्केट फंक्शंस सी मार्केट इज अ वेरी यूनिक प्लेस मार्केट में आप उल्टे काम करके भी पैसा कमा सकते हो जैसे कि आप बाई करके सेल कर सकते हो या सेल करके बाई कर सकते हो नो अदर ऑक्यूपेशन नो अदर एक्टिविटी यू कैन डू द ऑपोजिट एंड मेक मनी

आर डेफिनेटली वॉलोटाइल एंड जो ग्लोबल uh, संकेत है उससे तो काफी पता चलता है कि मार्केट्स में इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम वे एंड यू गॉट टू एंश्योर दैट ग्लोबल मार्केट्स रहने दीजिए डोमेस्टिक मार्केट्स रहने दीजिए मार्केट्स तो अपना काम करेगा आपको ध्यान देना है कि आप कैसे काम कर रहे हैं और आपका काम करने का जो तरीका है उसमें बदलाव लाना पड़ेगा और उसमें बदलाव लाने के लिए यू गॉट टू कीप वर्किंग ऑन इट लाइक यू ऑल सेड देर आर साइकोलॉजिकल लेवल्स फिर कोई कहता है फियर कोई कहता है लॉकडाउन तो रीजंस तो अनेक है तो अब क्या लगता है आपको इज द मार्केट हेडेड फॉर मोर डिक्लाइंस व्हाट इज द जनरल ओपिनियन मी टेक अ चलो मी टेक अ स्मॉल पोल वॉट गोइंग टू हैपन टुमारो व्हाट डू गाइस फील क्या होगा कल फोर्टीन फाइव हंड्रेड से बाउंस आ सकता है चलो शुभम की ये वाणी है कि फोर्टीन फाइव हंड्रेड फोर्टीन फाइव हंड्रेड से बाउंस आ सकता है सोनोक इज ऑल्सो टेलिंग फॉर अ पुल बैक ओके और मार्केट कैन गो अप क्या बात है इतने गिरने के बाद थोड़ा बुलिशनेस नजर आ रहा है आपको भी इतने गिरने के बाद लिटिल गैप अप देन फॉल ओके फाइव स्टेप्स पीछे दस स्टेप्स आगे ओके एक्सपेक्टिंग मोर डिक्लाइन अंकित ने साफ कह दिया चलो आई डोंट नो विल नॉट सी एनी बैर मार्केट फॉर फ्यू डेस कुछ भी हो सकता है ये तो सबसे सेफ आंसर है मार्केट में तो ऐसे ही है ना भाई कुछ भी हो सकता है लेकिन यह कुछ भी हो सकता है के बीच हमें कमाना है राइट मे बी अ डोजी कैंडल देन अपनेक्स्ट डे और अ गैप डाउन देन स्मॉल सेलिंग ग्रेट गुड टू सी दैट पीपल आर ऑल ऑफ यू आर थिंकिंग एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग योर व्यूज बिकॉज मैं तो काफी सारी स्ट्रैटीज यूज करता हूँ उसमें से कोई इंपॉर्टेंट स्ट्रैटजीज में मेरे प्रोग्राम में भी कवर करता हूं अगर आपको मेरे प्रोग्राम के बारे में जानना है यू कैन सेंड एस मैसेज ऑन आर इंस्टाग्राम फीड माई टीम विल गेट इन टच विथ यू

तो मैं सहमत हूं कि फोर्टीन थाउजेंड फोर फिफ्टी से लेके फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड एक अच्छा सपोर्ट है फिलहाल और हमें uh, देखना है कि यहां से मार्केट फिरेगा कि ग्लोबल uh, मार्केट जिसे और नीचे लेके जाएंगे अगर फोर्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के नीचे अगर क्लोज दे देता है कल देन इट कुड बी अ वेरी डेंजरस सिनारियो इन द कमिंग वीक या देर आर सम अनरिटर्न रूल्स अबाउट द मार्केट देर आर पीपल हु विल ऑलवेज मेक मनी बिफोर अस यू एंड मी वी आर ऑल रिटेल ट्रेडर्स राइट सो वी हैव टू बी लिटल बिट मोर अलर्ट और इसके लिए आपको थोड़ी uh, टेक्नोलॉजी की जरूरत है और उस टेक्नोलॉजी के माध्यम में हमने काफी काम किया है और uh, हम एक टूल uh, हमने एक टूल बनाया है न्यू ट्रेडर है उस टूल का नाम और उस टूल से आपको काफ़ी जानकारी मिलती है तो हम वेबिनार्स कंडक्ट करते रहते हैं यू आई एम नॉट आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर पार्ट ऑफ आर इंस्टाग्राम फीड यू कैन ऑल्सो गो एंड टेक अ लुक एट आर यूट्यूब चैनल एंड विल गेट टू नो मोर अबाउट वॉट आर द काइंड ऑफ थिंग्स वी डू वहां पर आपको थोड़ी जानकारी और मिलेगी एग्जैक्टली exactly हम करते क्या हैं दिस इज आर दिस आर यूट्यूब चैनल आप वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें काफी सारे वीडियोस हम बनाते रहते हैं वी वॉन्ट टू कमिंग अप वी वॉन्ट टू बी कमिंग अप विद मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस नाउ एंड यूल बी एबल टू गेट टू नो मोर अबाउट हाउ यू कैन मेक सम मनी या बॉन्ड डील्स या लॉकडाउन ये सारे चीज तो चलते रहेंगे द वर्ल्ड इज चेंजिंग so we should also be looking to change and uh, that's what is the message for today i'll be coming up next week with some more interesting questions and uh, i'll be happy to connect with you all again same time uh, in the coming week so normally market ki baate i hold on uh, tuesdays and thursdays we'll i'll also be doing some uh, live uh, youtube videos about which uh, i'll be putting up on uh,

does algo trading has any future? yes, absolutely. algo trading is going to be the way of the world, and uh, that's how the world is going to be moving in. five pan pele, only 20% of uh, or even lower volumes were traded by algos. now nearly 50% of all the volume in nsc is uh, being traded by algos. because the way the volatile movements which you are seeing right now in the markets, they are all largely driven by algos. सो इट्स लाइक अ मैन वैस इज अशीन अगर आपने टर्मिनेटर देखा हो सो टर्मिनेटर इज अ वेरी गुड मूवी विच टॉक्स अबाउट हाउन फाइट अ मशीन सो मार्केट अगोट बी दट वे एंड टेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली मेकिंग अ वेरी वेरी बिग इन रोड इन टू द ट्रेडिंग अरेना तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ काम करना पड़ेगा वरना आप पीछे रह जाओगे सो टेक अ लुक एट वॉट वी आर डूइंग एंड लाइक आर फाउंडर से टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करना इज वेरी वेरी एसेंशियल एंड इट इज एसेंशियल सो दैट वी स्टे अलाइव थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन दिस मार्केट की बातें एपिसोड आई एल बी हैप्पी टू सी यू ऑल अगेन टिल देन गुड नाइट शुभरात्रि आई एल सी यू अगेन